हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। और गाइस, सबसे पहले आप सभी को सावन महीने की पहली सोमवारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो गाइस, आज की ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है मेरी पिछले सारे वीडियो से, क्योंकि आज मैं ना कोई रोड, ना कोई फ्लाईओवर और ना ही किसी जगह पर चल रहे काम का अपडेट दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, इरशाद भाई, एलन भाई, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि भाई अनिशाबाद फुलवारी रोड का जो हाल है उसके बारे में भी लोगों को बताइए। तो गाइज, आज मैं आपको अनिशाबाद से लेकर फुलवारी रोड का क्या कंडीशन है, कितनी परेशानियां होती है यहाँ रह रहे लोगों को, कैसा ट्रैफिक है यहाँ का, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि हमारे जो जनप्रतिनिधि, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन तक ये मैसेज पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज मैं आपको अनिशाबाद फुलवारी के ट्रैफिक से रूबरू करवाता हूं। तो फिलहाल मैं हूं चितकोरा गोलंबर के पास, और अगर आपको दानापुर, सगुना मोड़ या फिर एम्स के तरफ जाना है तो आपको यहां एक और ऑप्शन मिलता है। इस जगह से आप राइट लेकर राजा बाजार पुल का इस्तेमाल करते हुए जा सकते हैं, जहाँ आपको ट्रैफिक काफ़ी कम मिलेगा अगर मैं कंपेयर करूँ इस साइड से, बट उसकी डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। और गाइज, अभी करीब 12 बजे हैं और इस टाइम आपको यहाँ ट्रैफिक उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बट फिर भी आप देख सकते हैं सामने यहाँ अनिशाबाद गोलंबर से लेकर आगे फुलवारी तक आपको अच्छी खासी ट्रैफिक देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली ये रोड बाईपास से कनेक्ट है और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ आपको बड़े बड़े ट्रक, हाईवा, ट्रैक्टर भी देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ जाम की सबसे मेन कारण यही है। वैसे कहने के लिए तो ये 4 लेन रोड है, पर एक लेन पर तो ये बड़े बड़े ट्रक्स ही आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी तो दोपहर का टाइम है, ऑफिस टाइम में यहाँ तो काफ़ी गंदी वाली रश यहाँ देखने को मिल जाएंगी, खास करके आज आगे फुलवारी के साइड। और गाइज, अनिशाबाद का ये एरिया पिछले 5 से 6 सालों में काफ़ी बदल गया है। यहाँ आपको कई छोटे बड़े मॉल्स, ब्रांडेड शॉप, शोरूम्स, होलसेल मार्केट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ KFC आउटलेट भी आप देख सकते हैं और उसके ऊपर बायजूस क्लासेस भी हैं। इस साइड का एरिया काफ़ी डेवलप हो चुका है पहले से, बट यहाँ लोग कम आते हैं दूसरे एरिया से। और तो और यहाँ अनिशाबाद फुलवारी की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि आप को हर वक्त यहाँ जाम देखने को मिल जाएगा। ऊपर से यहाँ ये ट्रक्स, हाईवा, बसेस का आना जाना, और कभी कभी तो ये काफ़ी खतरनाक भी हो जाता है इधर से गुजर रहे लोगों के लिए। और ये रहा लेक्मे सलून। वैसे मेरी तो यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी कि आई थिंक यहाँ अनिशाबाद गोलंबर से लेकर खगौल चौक तक एक 2 लेन फ्लाईओवर बनाया जाना चाहिए, खास करके सेफ्टी पर्पज़ से भी, जिससे जो हैवी और ओवरलोडेड गाड़ियाँ हैं जिन्हें नीचे कोई काम नहीं होता है, वो व्हीकल्स फ्लाईओवर के थ्रू इस एरिया से निकल सकें। और गाइज, इन सभी प्रॉब्लम के अलावा सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है वो है यहाँ महावीर कैंसर संस्थान में आने वाले पेशेंट जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जब ट्रैफिक और इतने जाम में पेशेंट को यहाँ लाना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। और क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर फ्लाईओवर्स होने चाहिए, क्योंकि जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं वो लोग ऊपर उस फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके आगे जा सकते हैं, ताकि नीचे जो भी एम्बुलेंस हो, कार्स वगैरह, बाइक्स वगैरह, लोगों को आने जाने में कोई परेशानियां ना हो। और साथ ही इस रोड को भी 4 लेन से 6 लेन का किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। और गाइज, ये रहा फुलवारी गोलंबर। आप देख सकते हैं यहाँ कितना कम जगह है, अगर एक साथ तीनों तरफ से बड़ी बड़ी ट्रक आ जाएं तो यहाँ जाम लगना तो तय है, और लगता भी है। जो लोग यहाँ रहते हैं वे काफ़ी अच्छे से जानते हैं। वैसे ये रोड दो तरफ डाइवर्ट हो रहा है, ये रोड जानीपुर एम्स के तरफ चला जाएगा और ये इस साइड वाला रोड आपको खगौल, दानापुर, दीघा के तरफ, या फिर आप इस रोड से भी एम्स वाले फ्लाईओवर के नीचे से एम्स के तरफ जा सकते हैं। वैसे उधर जानीपुर एम्स वाले रोड की स्थिति कैसी रहती है मैं क्या बताऊं, कई बार उधर रोड बनाए गए हैं फिर भी उस रोड में आज भी वाटर लॉगिंग की समस्या दूर नहीं हो रही,
तो एक बार फिर से मेरे सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि गाइस जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि यहाँ जल्द से जल्द फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो सके। तो गाइस ये था अनीसाबाद से फुलवारी तक के ट्रैफिक और यहाँ लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका एक छोटा सा अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा आगे भी ऐसी अपडेट के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।